Hey guys, what's up? Hope you are doing good. This is the sixth and the final episode of this series, and today we're gonna talk about how you can save your video from the software to your computer so that you can share it with anyone. And this process is called rendering or exporting your video. So this video is all about how you can render or export your video. So let's get started. So we have two ways to export our video, which are internal rendering and external rendering, which requires an external software. So first, let's see internal rendering. So after you are done with your editing, you need to go to file, then export, and then media. अब यहाँ पर एक न्यू विंडो पॉपअप होगी एंड हियर वी कैन प्ले विद द एक्सपोर्ट सेटिंग्स। तो अगर आपको अपनी वीडियो MP4 फॉर्मेट में चाहिए तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर H.264 को सिलेक्ट रखें। हम प्रीसेट पे अभी बाद में आते हैं एंड हियर वी कैन चूज द लोकेशन हमने अपनी वीडियो को जहाँ भी सेव करना है। सो इफ वी क्लिक हियर देन वी कैन सेलेक्ट द लोकेशन। लेट्स से हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे एंड हियर वी कैन नेम दिस वीडियो लेट्स से ड्राफ्ट। देन अगर आपको वीडियो एंड ऑडियो दोनों चाहिए सो मेक श्योर कि आप इन दोनों बॉक्सेस को चेकड रखें एंड नाउ हियर यू कैन सी द फाइल साइज। एंड अगर आपको ये फाइल साइज थोड़ा ज़्यादा लगे सो व्हाट यू कैन डू इज गो टू प्रीसेट एंड चूज मैच सोर्स मीडियम बिटरेट। सो दिस विल डिक्रीज द फाइल साइज एंड देन यू कैन सिंपली क्लिक एक्सपोर्ट एंड इट विल स्टार्ट द प्रोसेस टू एक्सपोर्ट द वीडियो। एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट यू कैन डू। अगर आपको अपनी वीडियो का कोई स्पेसिफिक पार्ट ही रेंडर करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज आप अपने प्लेहेड को उस पार्ट के स्टार्टिंग में लेकर आइए एंड राइट क्लिक ओवर दिस पैनल एंड सेलेक्ट मार्क इन एंड सिमिलरली गो टू द एंड ऑफ दैट पार्ट एंड राइट क्लिक अगेन एंड सेलेक्ट मार्क आउट। तो अब जो हमारा वो स्पेसिफिक पार्ट है वो हाईलाइट हो चुका है एंड देन अगेन गो टू फाइल देन एक्सपोर्ट एंड देन मीडिया एंड देन इन द सोर्स रेंज चूज सीक्वेंस इन एंड आउट। सो नाउ हमारा उतना पार्ट ही रेंडर होगा एंड देन जस्ट क्लिक एक्सपोर्ट एंड इट विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग योर वीडियो। एंड इफ यू वॉन्ट टू क्लियर दिस हाईलाइटेड एरिया देन जस्ट राइट क्लिक ओवर हियर एंड सेलेक्ट क्लियर इन एंड आउट। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वे दैट इज एक्सटर्नल रेंडरिंग। तो इसके लिए हमें एक अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है विच इज अडोबी मीडिया इनकोडर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि आपके PC या लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है एंड मीडिया इनकोडर एंड प्रीमियर प्रो दोनों सेम वर्जन के होने चाहिए। लाइक इफ यू आर यूजिंग अडोबी प्रीमियर प्रो 2020 देन मेक श्योर कि आपका जो मीडिया इनकोडर है वो भी 2020 का ही हो। एंड देन आपको वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं पहले वाले लाइक गो टू एक्सपोर्ट देन मीडिया एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट की जगह यू हैव टू क्लिक क्यू। Then it will automatically open media encoder and it can take some time to open the software. And once it is opened, you can see your project here. And now if you want to change the export settings, then you can click here and it will open that window again. And यहाँ पर आप अपने सारी settings को दोबारा change कर सकते हैं. And after you change your settings, just click OK. And here you can choose the renderer. You can go with the GPU one also. And then finally, click this green triangle to start the rendering process. And you can even pause the rendering process by clicking over this icon. Now sit back and wait for your video to get rendered and relax. So this was all about this video and with this we finished the Learn Video Editing series. Although I'll be making some more videos on tips and tricks for video editing in the future, but that's all for now. And if you enjoyed this video, then make sure you drop a like and subscribe to this channel for more content. And you can follow me on Instagram for some cool mobile photography, behind the scenes and more cool stuff. Till then, goodbye. I'll see you in the next video.